Hey guys, welcome back to my channel #smiley. So guys, first of all, wish you a very very happy new year guys. All the best guys for your bright future. And guys, चलो अभी हम लोग अपना जो ये इसका है वो फिफ्थ चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने 5.13 पार्ट्स है वो अपलोड कर दिए हैं. एंड ये नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करने जा रही हूँ आज. और आई होप गाइज आपका जो 2020 ईयर है वो सुपर डुपर हिट जाएगा एंड आपकी सारी ड्रीम्स है, सारी विशेज़ है वो फुलफ़िल होगी. सो चलो गाइज पहले हम पढ़ लेते हैं. एंड ICAI ने अपनी जो डेट शीट है मई एग्ज़ाम के लिए वो भी रिलीज़ कर दी है. तो हमें अब क्या है, थोड़ा फटाफट अपना सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, तो हम करके चलेंगे. एंड गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव अ थम्स अप. एंड अगर आपको अपना कोई रिव्यू देना है तो देन यू कैन लीव योर रिव्यू इन द कमेंट सेशन एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, एनी वेयर यू वॉन्ट यू कैन सेंड मी आ रिव्यू. एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कहीं पर भी कहाँ पर भी शेयर कर सकते हो. एंड चलो गाइज, कल हमने हमारे 13 पार्ट के अंदर देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का हमने कंसेप्ट करके चला था. अब जो मनी लॉन्ड्रिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. अभी तक तो हमने मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा था, अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा कौन सा आ रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, AML. यानी ये सारे पार्ट्स क्या हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं. आपको इन पर शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है, या फिर आपको MCQ में पूछ ले कि प्रोसेस बताओ किसकी, मनी लॉन्ड्रिंग की. तो आपको तीन प्रोसेस बतानी पड़ेगी. सबसे पहले क्या होगा, प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग के बाद में क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन. ये थ्री प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलती हैं. तो ये क्या है, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस है. अब आता है हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है वो भी हम देख के चलते हैं. देखो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, नेगेटिव पब्लिसिटी. यानी कुछ क्या होगा, नेगेटिव पब्लिसिटी यानी क्या है, आपकी जो मतलब जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनसे क्या है, हमें नेगेटिविटी मिल रही है, यानी नेगेटिव रिव्यू मिल रहा है. तो वो क्या हो गया, नेगेटिव पब्लिसिटी हो गया. डैमेज ऑफ रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन डूबती जा रही है, गुडविल का लॉस हो रहा है. लीगल और रेगुलेटरी सेंसेक्शन, यानी हम लीगली जो रेगुलेटरीज हैं उनको क्या है, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. लीगल के जो रूल्स हैं उनको हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉटम लाइन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैंक. यानी क्या है, और एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बैंक के ऊपर, बैंक फेल हो रहा है रिस्क को मैनेज करने में, मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को मैनेज करने में. तो ये सब क्या है, हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. बैंक फेस द चैलेंज ऑफ एड्रेसिंग द थ्रेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द मल्टीपल फ्रंट एज बैंक कैन यूज द प्राइमरी मीन फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी क्रॉस जियोग्राफिकली. अब बैंक क्या है, वो उसे चैलेंज फेस करना पड़ा है कि वो क्या कर रहा है, जो मल्टी बैंक्स का यूज़ करके लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये क्या है, गलत हो रहा है. द चैलेंज इज गिवन ग्रेटर फॉर बैंक यूजिंग CBS एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंटीग्रेटेड. तो अब देखो, अब बैंक ने क्या किया, जैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट हो गया तो सारे बैंक क्या होने लगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे. तो एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से, यानी CBS, इसके अंदर क्या होगा, बैंक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, उनका यूज़ फिर क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, सारा सब कुछ रिकॉर्ड रखते हैं. तो इससे क्या होगा कि सारे बैंक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए. एंड देन क्या हुआ, सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह पे इकट्ठा होने की वजह से पता चलने लगा इस फ्रॉड का, तो इसमें थोड़ी हेल्प मिल गई. विद द रेगुलेटर अडोप्टिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन द बैंक एंड एनहेंसिंग देयर इन्फोर्समेंट एफर्ट्स, बैंक आर यूजिंग स्पेशल फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. यानी बैंक क्या कर रहा है कि स्पेशल एफर्ट्स लगा रहा है, नए नए एफर्ट्स लेके आ रहा है, ताकि वो क्या कर सके, नए नए सॉफ्टवेयर लेके आ रहा है ताकि वो प्रिवेंट कर सके फ्रॉड को, उसकी इंटीग्रेशन को, इंटरनल प्रोसेस डेली रिपोर्टिंग, और उसकी क्या कर सके, डेली रिपोर्ट कर सके. तो ये क्या था, हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. देन उसके बाद आता है फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म. अभी हम देख के चलते हैं ये क्या चीज है. चलो, फाइनेंशिंग ऑफ टेररिज्म. मनी टू फंड टेररिस्ट एक्टिविटी मूव थ्रू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वाई वायर ट्रांसफर एंड इन एंड आउट ऑफ द पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट. देखो ये क्या बोल रहा है, जो मनी होता है, जो हमारे आतंकवादी होते हैं, मतलब तो उन तक क्या है, जो पैसा पहुँच रहा है वो क्या है, बैंक के थ्रू पहुँच रहा है, ग्लोबली पहुँच रहा है. ये नहीं है कि इंडिया टू इंडिया भी अंदर हम नहीं, इंडिया टू जैसे पाकिस्तान से इंडिया के लोग पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेररिज्म को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी वायर के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर क्या है, पर्सनल अकाउंट के थ्रू या बिजनेस अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं. इट कैन शिट इन द अकाउंट ऑफ लिटिगमेट
चैरिटीज एंड द लॉन्ड्रिंग थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी एंड अदर कमोडिटी। तो या तो वो दिखा रहे हैं कि हम ये पैसा क्या है चैरिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या वो ये दिखा रहे हैं कि हमने कोई सिक्योरिटी परचेज़ कर ली या कोई कमोडिटी परचेज करी है, हमने कोई कैश इन एंड कैश आउट है, या फिर हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है ले ली है तो उसके लिए हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी वो भेज तो पैसे टेररिज्म को रहे हैं, लेकिन वो दिखा किसके लिए रहे हैं कि हम चैरिटी के लिए भेज रहे हैं, हम सिक्योरिटी परचेज करी है या सेल करी है उसके लिए भेज रहे हैं, कमोडिटी के लिए भेज रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो इसके तरीके करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे टेररिस्ट को, टेररिज्म को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिनांस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑल दो द टेररिस्ट फाइनेंस इज फॉर्म ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, इट डज़ नॉट वर्क द वे कन्वेंशनल मनी लॉन्ड्रिंग वर्क। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एक ये क्या है, एक फोरम है किसका, मनी लॉन्ड्रिंग का। ये क्या है, हम एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, डज नॉट वर्क द वे कन्वेंशनल मनी लॉन्ड्रिंग वर्क। ठीक है, द मनी फ्रिक्वेंटली स्टार्टेड आउट क्लीन। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हमारा पैसा क्या है काम डाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पैसा पूरा क्लीन होता जा रहा है। अगर हम डोनेशन के लिए कोई भी पैसे देते हैं, अगर हम एज अ डोनेशन देते हैं, तो वो हमारा ब्लैक मनी है वो क्या हो जाएगा, वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज डोनेशन क्या है वो काउंट नहीं होगा बिफोर मूविंग द टेररिज्म अकाउंट। यानी हमने क्या किया, पहले तो डोनेशन दे दिया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, एंड देन उसको कहा कि इसमें कुछ पैसे आप रख लेना, एंड देन किसी अनदर अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करने को बोल दिया, यानी उसे हम टेररिस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, वाइट मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया, ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, और टेररिज्म की भी हेल्प हो गई। इसके अंदर देखो, इसलिए बैंक क्या है, PMLA और ये CBS जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है ताकि वो क्या कर सके, वेरियस टाइप की रिपोर्ट तैयार कर सके, एंड क्या है, पीरियडिसिटी देख सके कि कहाँ से पैसा आया है, किन एजेंसियों ने कहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र किया है, उसको मैनेज कर सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके, और किस टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ है उनके बेस पे क्या है, जो भी एक्शन लेना उनको वो एक्शन ले सके। तो ये क्या था हमारा, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये हमने सारा डिस्कस करके चल लिया। अब जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का आपको मतलब पता ही होगा कि साइबर क्राइम इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर क्राइम। साइबर क्राइम को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर क्राइम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हम किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उसके डाटा को कंसील कर लेते हैं, तो ये सब इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क, यानी हम कंप्यूटर या नेट का यूज़ करके क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर को हैक करके सारे डाटा निकाल लिए, या फिर किसी के अकाउंट को हैक करके क्या किया, उसके अकाउंट से जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे निकाल लिए, किसी की ईमेल आईडी को हैक कर लिया, किसी की किसी चीज़ को हैक कर लिया, मतलब सब कुछ हैक करके हम क्या कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। द कंप्यूटर में हैव बीन यूज इन कमिटिंग अ क्राइम, यानी कंप्यूटर का यूज़ है वो सिर्फ यूज़फुल काम के लिए तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ हम क्राइम के लिए भी कर सकते हैं। साइबर क्राइम इज़ डिफाइंड एज ए ऑफेंस, यानी साइबर क्राइम की आप पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, तो ये आप थोड़ा सा इसको फोकस करके देख लेना, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं साइबर क्राइम क्या होता है, फोकस कर लेना, शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकते हैं इस पे, शॉर्ट नोट। ठीक है, देखो, ऑफेंस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी हमने क्या किया, ऑफेंस किया यानी कुछ गलत किया है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट, यानी एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट या ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट, विद अ क्राइम क्रिमिनल मोटिव, यानी क्रिमिनल मोटिव यानी कुछ गलत करना, कुछ क्राइम करने के पर्पज से, या फिर इंटेंशनली हार्म द रेपुटेशन ऑफ विक्टिम, यानी हमने या तो क्या है कुछ क्रिमिनल करने के मोटिव से, पर्पज से क्या किया है, उन्हें ऑफेंस यानी नुकसान पहुँचाया है, या फिर हमने इंटेंशनली इसीलिए हार्म पहुँचाया है ताकि हम क्या कर सके, किसी की रेपुटेशन ख़राब कर सके, कैस फिजुअली फिजिकली और मेंटली हार्म, यानी हम उसे मारने का देख सकते हैं। देखो, फिजिकल के अंदर तो क्या आ जाएगा, मारने वाला कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, एंड मेंटली मेंटल हार्म के अंदर आ जाएगा कि किसी मेंटल हार्म के अंदर आ जाएगा कि किसी को हम इस टाइप से मतलब नुकसान पहुँचाए, किसी कोई फिजिकली कुछ भी ना हो, वो मेंटली क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो ये क्या होगा, मेंटली हार्म्स के अंदर कन्वर्ट क्या होगा, यूज़ होगा। और लॉस टू दी विक्टिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग द मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज नेट, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम उसे डायरेक्टली नुकसान पहुँचाएँ या इनडायरेक्टली नुकसान पहुँचाएँ, हम किसका यूज़ करें, हम मोडेम का यूज़, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट का और मोबाइल फ़ोन्स का, इन सब का यूज़ करके हम किसी को फिजिकली मेंटली हार्म पहुँचा सकते हैं, क्रिमिनली मोटिव से इंटेंशनली। तो ये क्या है, हमारा साइबर क्राइम। अब आता है
कि साइबर क्राइम के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। द यूनिटी नेशन मैनुअल और द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम क्लासीफाई द सच क्राइम इन टू फॉलोइंग कैटेगरी। यानी ये क्या है, क्राइम के टाइप है, टाइप ऑफ क्राइम। ये क्या है, टाइप ऑफ क्राइम, यानी हमें यहाँ पे क्राइम के टाइप बताए हुए हैं। देखो, कमिटिंग ऑफ फ्रॉड बाय मैनिपुलेटिंग ऑफ इनपुट आउटपुट थ्रू आउट आ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। यानी कोई कंप्यूटर के अंदर क्या करना, गलत डाटा को डाल देना, या फिर क्या करना, उसमें से आउटपुट यानी गलत आउटपुट निकालना। तो ये क्या है, फ्रॉड करना किसी के साथ गलत आउटपुट और इनपुट डाल के। तो ये क्या है, हमारा एक फ्रॉड है। कंप्यूटर फोर्जरी यानी किसी के कंप्यूटर की क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, विच इन्वॉल्व चेंजिंग द इमेज डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर। यानी हमने क्या कर लिया, उसके अंदर जो इमेज थी उसको बदल दिया, या फिर कोई डाटा स्टोर थे उनको चेंज कर दिया, या उनको कंसील कर लिया। तो ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। डेलिब्रेट डैमेज कास्ट टू द कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम थ्रू वायरस प्रोग्राम और लॉजिकल बोम। यानी किसी के कंप्यूटर को क्या करना, डेलिब्रेट करना, उसको हार्म पहुंचाना, किसके थ्रू, कोई वायरस का प्रोग्राम उसके अंदर डाल के, लॉगिंग बोम्स। बोम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस करा है कि छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम डाल के, जो कंप्यूटर के अंदर डल जाने के बाद क्या होगा, हमारा जितना भी डाटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एंड देन आता है अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर बाय हैकिंग। यानी हमने क्या कर लिया, किसी के कंप्यूटर को हैक कर लिया, और क्या कर रहे हैं हम, अनऑथराइज यूज़ कर रहे हैं, यानी पासवर्ड चुरा रहे हैं। तो ये सारा क्या हो गया, हैकिंग हो गया। और ये भी किसके अंदर इंक्लूड होता है, क्राइम के अंदर इंक्लूड होता है। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है। आपको अगर शॉर्ट नोट लिखना दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल ये लाइन पूछी जाएगी कि द यूनाइटेड नेशनल मैनुअल ऑन द प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम क्लासीफाइज सच क्राइम इन टू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि, ये लाइन देख के आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको डिफाइन करना है, किस कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो ये लाइन आपको याद रख लेना दिमाग के अंदर, कि ऐसा कुछ पूछे तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब करने हैं। फिर आता है अनऑथराइज रिप्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। यानी क्या करना, किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की क्या कर लेना, पायरेसी। पायरेसी क्या मतलब होता है, कि इसको स्टील कर लेना, या उसकी क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पायरेट मूवी, यानी क्या होता है, मूवी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना, किसी के सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेना, उसको लीक कर देना। साइबर क्राइम हैज़ ग्राउंड बिग विद सम कंट्री प्रमोटिंग इट टू अटैक अनदर कंट्री सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। यानी साइबर क्राइम क्या होता है, सिर्फ ये ही नहीं होता जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसके अलावा भी साइबर क्राइम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है, साइबर अटैक कर सकती है, जिसके थ्रू वो क्या करेगी, उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, यानी उस कंट्री की क्या कंडीशन है, उस कंट्री के पास कितना पैसा है, यानी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर सकती है, स्टील कर सकती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं। आई होप गाइस यू लाइक माई टीचिंग। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग गिव अ थम्स अप एंड सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइज। आई नीड योर सपोर्ट गाइज, सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल #smiley। सो गाइज अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पर आपको कुछ एक्ट डिस्कस करने को मिलेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, हमारा RBI रेगुलेशन एक्ट हो गया, एंड हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। चलो फटाफट देखते हैं। देखो, जो सबसे पहले हमें एक्ट पढ़ने को मिल रहा है वो एक्ट है कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो 1949 के अंदर क्या हुआ था, लेजिस्लेशन इन इंडिया रेगुलेट ऑल द बैंक। तो 1949 के अंदर आया था, और ये क्या करता है, सारे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, इंडिया के अंदर जितने भी क्या है, बैंक है, उनको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनको मैनेज करता है। ठीक है, और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो सिर्फ क्या है, सिर्फ बैंकिंग कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है। बट इन 1965 इट वाज अमेंडेड। ये कि इसको क्या कर दिया, अमेंड भी कर दिया, और इसको एप्लीकेबल टू कॉरपोरेट बैंक एंड इंट्रोड्यूस अदर चेंज। यानी देखो, ये क्या हुआ था, 1949 के अंदर ये आया था, और तब ये क्या था, बैंक को रेगुलेट करता था, लेकिन 1965 के अंदर इसको अमेंड कर दिया गया, और इसे कॉरपोरेट बैंक के ऊपर भी एप्लीकेबल कर दिया गया, और अदर नेसेसरी चेंज भी इसके अंदर क्या थे, किए हुए थे। आपको शॉर्ट नोट पूछा लिखना पूछा जा सकता है किसी भी एक्ट के ऊपर, शॉर्ट नोट
आपको पूछा जा सकता है कि आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को डिफाइन करो, या फिर आप क्या करो, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसको डिफाइन करो, या फिर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन करो। किसी भी एक्ट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है। द एक्ट गिवन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द पावर टू लाइसेंस बैंक, यानी अगर क्या होगा कि जो ये रेगुलेशन एक्ट है उसने क्या दे दिया रिजर्व बैंक को, मतलब क्या दे दिया कि पावर दे दी। अगर कोई भी बंदा नया बैंक खोलना चाह रहा है तो क्या देगा, रिजर्व बैंक उसे क्या देगा, लाइसेंस प्रोवाइड करवाएगा। विदाउट लाइसेंस के, बैंक के लाइसेंस के, कोई भी पर्सन है बैंक नहीं खोल सकता। रेगुलेशन अगर यहाँ पे क्या होगा, शेयर होल्डिंग, वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, सरप्राइज द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड, मतलब जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आरबीआई से पूछ के होंगे, लिक्विडेशन, मोनिटराइजेशन, किसी बैंक को मर्ज करना, बैंकों की ऑडिंग ऑडिट करवाना, मैनेजमेंट करना और रेगुलेट करना बैंक के ऑपरेशन को, वो सारे क्या होंगे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। फिर यहाँ पे आता है, फिर 1965 के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉरपोरेट बैंक को भी क्या कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था, ये सेक्शन 56 के अंदर इसको ऐड किया गया था। फिर आता है कॉरपोरेट बैंक क्या होते हैं, विच ऑपरेट ओनली इन द स्टेट, यानी कॉरपोरेट बैंक कौन से होते हैं, जो सिर्फ स्टेट के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, आर फॉर्म रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जिन्हें कौन रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। स्टेट के लिए होते हैं कॉरपोरेट बैंक, और जिन्हें कौन चलाता है, हमारा स्टेट ही चलाता है। बट आरबीआई कंट्रोल द लाइसिंग एंड रेगुलेट द बिजनेस ऑपरेशन, आरबीआई क्या करती है उनको कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल द लाइसिंग एंड रेगुलेट, लेकिन जो ये स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, इनको स्टेट बैंक होते हैं, उनको कौन हैंडल करेगा, आरबीआई क्या करेगी, उनको रेगुलेट करेगी। एंड द बैंकिंग एक्ट वाज अ सप्लाई टू द प्रीवियस एक्ट एंड द बैंक, तो इसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। और जो हमारा आरबीआई होता है वो क्या करेगा, जो हमारे कॉरपोरेटिव बैंक है उनको क्या देगा, टाइमली यानी प्रोटेक्टिवली या पीरियडिसिटिकली उनको क्या देगा, गाइडलाइंस देगा। और ये गाइडलाइंस वो उन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी प्रोसेस को कवर करने से रिलेटेड हो सकती है, कंप्यूटराइजेशन हो सकती है, मतलब आरबीआई उन्हें क्या देगा, गाइडलाइंस देगा, और इन सब से रिलेटेड उन्हें गाइडलाइंस मिलेगी। ये हमारा पॉइंट है वो कवर हो चुका। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो गाइज ये मैं आपको नहीं बढ़ाने वाली, बिकॉज ये आप लॉ में भी पढ़ चुके होंगे, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, मैंने उस पर भी कुछ जो वीडियोज़ है वो अपलोड कर रखी है, तो आप वो भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड ये देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो आपको बताया हुआ है कि ये क्या होता है, एक इसके अंदर आपको ट्रंकेट चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में बताया है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन है। मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला जब चैप्टर पढ़ाया है, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, मेरे चैनल #smiley को आप चेक कीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो वहाँ पे मैंने आपको ट्रंकेट चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यहाँ पे वो पूरा कवर किया हुआ है, तो मैं वापस नहीं पढ़ा रही। देन आता है रिजर्व आरबीआई रेगुलेशन, कि आरबीआई की कौन कौन सी रेगुलेशन है वो यहाँ पे बताई हुई है, आपको इन पे शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है, आप इस पे मोस्ट फोकस कर लेना। आरबीआई की रेगुलेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई की रेगुलेशन कौन कौन सी है वो आप बताओ, तो ये आपको बताना चाहिए। चलो देखते हैं, आरबीआई यानी रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, और उसका प्रोविज़न कब बना था, 1934 को रिजर्व बैंक के लिए प्रोविजन्स बने थे। द बेसिक फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक क्या है, रेगुलेट करना इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग द रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनिटरी स्टेबलाइजेशन इन इंडिया एंड जनरली ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, यानी जो हमारा रिजर्व बैंक है उसका क्या काम है, मॉनिटरी स्टेबलाइजेशन रखना, मॉनिटरी स्टेबिलिटी रखना, किसके अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर मॉनिटरी को स्टेबलाइज रखना, यानी ना तो वो क्या हो, ना तो वो क्या हो, उसके रेट हाई हो मॉनिटरी, यानी ना तो हमारी करेंसी के रेट क्या हो जाए, हाई हो जाए, ना ही हमारी करेंसी के रेट बिल्कुल डाउन हो जाए, यानी हाई डाउन ना हो, हमारी करेंसी क्या रहे, स्टेबल रहे ऑल द टाइम। तो उसके ऊपर क्या है, हमारा रिजर्व बैंक काम करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ BSF इज टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंपेरिजिंग कॉमर्शियल बैंक, यानी जो प्राइमरी जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, हमारे कॉमर्शियल बैंक, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, उनको क्या करना, कंसोलिडेट करना, उनका क्या करना, सुपरविजन करना, कि देखते रहना कि ये क्या क्या कर रहे हैं। सम की फंक्शन ऑफ आरबीआई,
ये भी आप पे शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है, ये मैं बता रही हूँ आपको। पूछ लेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस बताओ, तो आपको ये तीन फंक्शंस है उनको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो, और इस पे गाइस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंस्टीट्यूट ने, तो पूछने के चांसेस मस्ट रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं। मॉनिटरी अथॉरिटी, फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द मॉनिटरी पॉलिसी। यानी मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है कि हमारे मॉनिटरी को स्टेबल रखना और प्राइस की स्टेबिलिटी रखना, यानी क्या हो, देश के अंदर महंगाई ना आए या फिर देश के अंदर बिल्कुल मंदी ना आए, तो उस सिचुएशन को ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। यानी जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी है उसको मेंटेन करके रखेगा, प्राइस की स्टेबिलिटी को एंश्योर करेगा, एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट ऑफ प्रोड्यूस सेक्टर, यानी और ये भी देखता है कि किन सेक्टर में कितना क्रेडिट यानी कितना लोन देने की ज़रूरत है, ये लोन को मैनेज करेगा। तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज है वो इको के अंदर मिलेगी। इको में आपको मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। देन उसके बाद आता है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिस्क्राइब बोर्ड पैरामीटर ऑफ बैंक ऑपरेशन विद विच द कंट्री बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोटेक्ट डिपोजिटर इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस इन द पब्लिक। यानी ये क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं उसको, और देखते हैं कि बैंक के अंदर कितने मनी की आवश्यकता है। मतलब आपने इको के अंदर पढ़ा होगा वो वाला, कि अगर देश के अंदर क्या होती है, मंदी होती है, तो बैंक क्या करता है, जो आरबीआई है वो बैंकों को पैसे ज़्यादा दे देता है और जो लोन लेने की रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको कम कर देता है। अगर क्या होती है, देश के अंदर क्या होती है कि महंगाई होती है, तो क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट है बढ़ा देता है, ताकि लोग कम पैसा खर्चें, तो उससे क्या होगा, हमारे क्या होगा, जो मंदी है, जो महंगाई हुई है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज पे आने लग जाएगी। तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। विच इज़ द फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन विद द ऑब्जेक्ट मेंटेनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस सिस्टम, यानी ये क्या करता है, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है, इंटरेस्ट की रेट वगैरह देखता है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस को ये देख के चलता है। देन जो थर्ड जो मेन काम होता है वो आता है इशू ऑफ करेंसी, यानी हमारा बैंक क्या करता है, करेंसीज को भी इशू करता है, यानी इशू एंड एक्सचेंज ऑफ डिस्ट्रॉय करेंसी, यानी उसको करेंसी को इशू करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, कॉइन नोट इट फॉर द सर्कुलर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग पब्लिक एडुकेसी क्वान्टी ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी नोट एंड कॉइन इन द गुड क्वालिटी। यानी कभी पहले कॉइन आते थे, अब कॉइन क्या होने लगे, आने कम होने लगे, नोट का जो है वो क्या होने लगे, ज़्यादा आने लगे, या फिर कॉइन्स है, नोट्स है, वो हम क्या करने लगे, गुड क्वालिटी में प्रोवाइड करवाने लगे। यानी करेंसी को कौन इशू करता है, हमारा आरबीआई ही इशू करता है, किसकी हेल्प से, गवर्नमेंट की हेल्प से। देन उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और गाइस यहाँ पे आपको इस एक्ट के अंदर सेक्शन दिए हुए हैं, और गाइस बिलीव मी ये सेक्शन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आपको इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड गाइस एंड 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 गाइस और क्या बताऊँ मैं इसमें आपको, देखो ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंस्टीट्यूट लगभग इस पॉइंट से एमसीक्यू पूछ ही लेता है, और एमसीक्यू एक नंबर का नहीं, दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख के चलना। सो गाइस चलो अभी हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये क्या बोलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ओनली रिलीवेंट सेक्शन प्रिटेंडिंग टू द टॉपिक आर डिस्कस बिलो। यानी हमने क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो रिलीवेंट सेक्शन है बैंकिंग सिस्टम से, उनको हमने क्या किया है, यहाँ पे डिस्कस किया है। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके बारे में हमने, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी स्टेज होती हैं। गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे करके बताइएगा कि कौन कौन सी स्टेज होती है, अगर आपको लर्न है तो कौन कौन सी स्टेज होती है, उन सारी स्टेजेस को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है। देन आई विल मेक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल वॉट आई एम टीचिंग। सो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि मनी लॉन्ड्रिंग की कौन कौन सी थ्री स्टेजेस होती हैं। However, directly or indirectly attempt to include or knowingly assist or knowingly the party which is actually involved in any process or activity connected with 17 processes in crime including its concealment,
पोजीशन, एक्वाइजिशन और यूज़ ऑफ द प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इन द अनटेनेंट प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखो इसके अंदर वही बताया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो कि क्राइम कर रहे हो। आपने क्या किया कि किसी चीज़ को कंसील कर लिया, पैसों को कंसील कर लिया, देन उसका उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, पोजीशन रख लिया, उनको एक्वाइड कर लिया, फिर उन्हें किसी प्रोजेक्ट में यानी इंटीग्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि उससे हम प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं या फिर किसी को लोन दे देते हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता है। चैप्टर 4 ओब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएटरीज। सेक्शन 12 रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन द रिकॉर्ड। यानी सेक्शन 12 हमें किसके बारे में बताता है, हमें क्या बताता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन द रिकॉर्ड, हमें क्या करना है ये बता। सेक्शन 12 है वो बैंकिंग कंपनी को बताता है कि आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको क्या करना है सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है उस पर रिपोर्टिंग करनी है। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन, देखो जिन जिनको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है, जिन जिन एंटिटीज़ को रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन उन्होंने किए हैं बैंक के अंदर, उन सबको क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड बना के चलेंगे। इंक्लूड इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर क्लोज बी इन सच मैनर एज, मतलब जिन मैनर के अंदर यानी क्लोज बी के अकॉर्डिंग उन्हें रिकंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, यानी हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को उनको क्या करके चलना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन है वो ओमिट नहीं होना चाहिए, ओमिटेड नहीं होना चाहिए। फर्निश टू द डायरेक्टर विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब, और जो रिपोर्ट मतलब जो ट्रांजेक्शन उन्होंने क्या किए तैयार किए हैं, मतलब हर ट्रांजेक्शन को इन्होंने रिकॉर्ड किया है, और उन ट्रांजेक्शन को वो एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर क्या कर देंगे, हमारे डायरेक्टर को दे देंगे। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूट द नेचर एंड वैल्यू ऑफ विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी जो इन्फॉर्मेशन देंगे जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उनका नेचर, यानी किस टाइप का वो ट्रांजेक्शन है, कितनी अमाउंट का हुआ है, कब एग्जीक्यूट हुआ था, तो ये सारी डिटेल क्या है हम डायरेक्टर को प्रोवाइड करवा देंगे। कुछ भी ओमिटेड नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, एंड क्या होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, और फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन इन्फो होनी चाहिए, कुछ भी कंसील नहीं होना चाहिए। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट इविडेंस एंटिटीज क्लाइंट बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज अकाउंट फाइल एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेटेड टू द क्लाइंट। यानी इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि इसके अंदर आपको क्या बताया हुआ है कि आप इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि आपको किसी भी टाइप की जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके लिए सबके लिए डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो क्लोज सी और क्लोज डी यानी ओमिटेड, यानी क्लोज सी और क्लोज डी को क्या कर दिया, हटा दिया है, ओमिट कर दिया है। देन सबसे पहले तो आ गया एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल, यानी क्या करेगी ये सबको रिपोर्ट करेगी, कौन, एक एंटिटी हमारी। देन उसके बाद क्या हुआ, एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन फर्निश और वेरीफाई सेव एज अदर प्रोवाइड अंडर एनी लॉ टाइम बिगिन इन्फोर्स शैल बी कीप्ड कॉन्फिडेंशियल। यानी जितनी भी बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनको सबको क्या है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये नहीं है कि हर किसी को बता दे, नहीं, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस भी पर्सन ने किया है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियली रहनी चाहिए, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है द रिकॉर्ड रेफर इन द क्लोज ए, यानी ये जो हमें क्लोज ए के अंदर बताया हुआ था, सब सेक्शन ऑफ ए शैल बी मेंटेन एज पर पीरियड ऑफ द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। यानी ये देखो ये क्या बोल रहा है, क्लोज क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 1, यानी देखो ये क्या हो गया, सब सेक्शन 1 उसका क्लोज ए, यानी जितने भी यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी ओल्ड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन की बात चल रही है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं जिनका हमने रिकॉर्ड किया है, उन सारे ट्रांजेक्शन को हम 5 ईयर पीरियड के लिए क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। 5 ईयर के पीरियड के लिए हम उन सारे ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करके चलेंगे, ये हमें बताया हुआ है। देन फोर्थ क्या बोल रहा है, द ट्रांजेक्शन रेफर इन द क्लोज ई सब सेक्शन ए शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ एंड और अकाउंट हैज़ बीन क्लोज विच एवर इज लेटर। ये देखो फोर्थ में क्या बताया हुआ है हमें,
क्लोज ई, क्लोज ई के अंदर क्या बताया कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके इविडेंस को मेंटेन करके चलेंगे। तो जब तक हम उनको मेंटेन, हम कब कब तक उनको मेंटेन करके चलेंगे, 5 ईयर तक मेंटेन करे चलेंगे। ये 5 ईयर कब तक, जब तक क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में क्या है, सारी रिलेशनशिप एंड ना हो जाए, या तो यानी एंड होने के 5 ईयर तक हम उनको रखेंगे, या फिर क्या है, जब तक हमारे अकाउंट्स है क्लोज नहीं हो जाते तब तक उनको रखेंगे, यानी विच एवर इज लेटर, यानी जो भी बाद में होगा हम उसको मान के चलेंगे। ठीक है, 5 ईयर तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म होने के 5 साल तक, 5 साल के बाद तक हम रखेंगे, या फिर हमारे जब तक अकाउंट क्लोज नहीं हो जाते, यानी हम सारे अकाउंट्स या खाते सबको क्लोज नहीं कर देते तब तक, जो भी इन दोनों में से बाद में होगा उस तक हम रख के चलेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी रिपोर्टिंग एंटिटी और क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी को नोटिस दे के ये कह सकती है कि तुम्हें ये वाली जो क्लोज है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें इस चीज़ पे रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब किसी चीज़ को क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है, डिनाई कर सकती है। कौन डिनाई कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है। ये क्या थे हमारे सेक्शन 12 के, रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, यानी वो रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करके चलेगी। देन उसके बाद आता है हमारे पास पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज द फाइन, यानी डायरेक्टर की पावर, वो क्या कर सकता है, फाइन लगा सकता है। सो गाइज ये वाला पॉइंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करके चलेंगे। इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही। गाइज वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइज, आई होप गाइज यू डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, प्रिपरेशन फुल रखना। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल #smile को सब्सक्राइब करें, एंड ओके गाइज बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल।